अच्छे हो रहे हैं? थैंक्स द लॉर्ड। इसमें आठ आठ और वह ले गए। हाँ, पहले उन्होंने जल डाला, डालने के बाद यीशु ने तभी क्या बोल दिया, निकालो, क्योंकि वो दाखरस बन चुका था। हालेलुया। क्या बन चुका था? कितना टाइम लगा? अगर मैं दोनों ट्रांसलेशन को आपके साथ लेके आऊं, तो अगर एक बाइन अच्छी वाली बाइन, उसको 10, 15, 20 और 25 साल लगते हैं उस टाइप की बाइन बनाने के लिए। मगर यीशु मसीह ने उस 10 साल को एक ही शब्द में ट्रांसफर कर दिया। यही मैं आपको आज बताने वाला हूं। यीशु मसीह आपके जीवन की टाइमिंग को बदल देने वाले हैं आज की रात। हालेलुया। अपने हाथ को उठा और बोले, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं प्रभु, तुम्हारा अभिषेक मुझ पर आए, तुम्हारा अभिषेक मुझ पर आए प्रभु, मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं तेरा अभिषेक आए प्रभु, मेरा टाइम चेंज हो जाए आज प्रभु, टाइम चेंज हो जाए प्रभु, मेरी जिंदगी का टाइम चेंज हो जाए प्रभु। वो शक्ति जो मेरे टाइम को नाश करती है, आज यीशु मसीह के नाम से उनको कमांड करते हैं। जोर से बोलेगा तो जाएगा। हालेलुया। अब आपको देखना है ध्यान से, बाइबल ब्लेस करता है आज की रात आपको टाइम से। हालेलुया। कोई भी पादरी साहब यहां है, उनको भी मैं यही बोलना चाहता हूं, इतना बिजी होते हैं, ये ऑफिस, ये आप देखेंगे आज के बाद कितना स्मूथ चलेगा ये। आपको टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन। हालेलुया। टेंशन देने के लिए आपको घुटने के बल आना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। आप ठंडे ना हो, नहीं तो बाहर ले जाएंगे आपको। हालेलुया। जब एयरपोर्ट से हम बाहर आए, वही बाबा, जैसे किसी ने ना आपको किसी भट्टी में रख दिया हो। याद आ रहा था, रब्बा नरक कैसा होगा? बहुत सुना है नरक कैसा है, पैसा है, ये तो ट्रेलर हो गया आज। हालेलुया। तुम यार किस मिट्टी के हो, कैसे घूमते हो इधर? हम तो प्रचार करने के बाद जाने वाले हैं भाई। एक बात ध्यान रखिए, मगर आपके जीवन में पाप है, जो टाइमिंग चमत्कार है वो आपके जीवन में नहीं आएगा। ये उन लोगों के जीवन में कार्य करेगा जिनके जीवन में पाप नहीं है। रोने से, चिल्लाने से, पीटने से आशीष नहीं मिलती। उसका सिद्धांत क्या है, उसको फॉलो करना है। आप विश्वासी हैं, आपको उसके सिद्धांत को फॉलो करना है आज के बाद। वो ऐसे एक क्षण में पाप माफ कर देता है, ऐसे एक क्षण में पाप माफ करने का इख्तियार मेरा बाइबल बताता है सिर्फ यीशु मसीह के पास है। आज की रात सोने से पहले आप अपने पापों की क्षमा मांगिए, अगर आपका मन है। इसलिए नहीं कि पादरी साहब आए हैं, चलो कर लेते हैं, ऐसे नहीं। अगर आपका मन है, दिल से, इच्छा से, हाँ प्रभु मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। कितने लोग यहां काम करने के लिए आए हैं?
सब काम करने के लिए आए हैं, क्या बात है। तो सुनिए, आपके काम के ऊपर आशीष मांगने की जरूरत नहीं है। आप अपनी टाइमिंग को चेंज करने के लिए प्रभु के सामने प्रेयर करें। जो आप चाहते हैं 3 साल के बाद करेंगे, वो 3 महीने में होने वाला है। टाइम का इख्तियार किसके पास है? किसके पास है? खुदा के एक नबी ने बोला था, आदमी ने, मैन ऑफ गॉड, सूरज तुम ठहरो, अभी मेरा काम क्या है? तो पावर है आपके बीच में, क्या है? पावर है। तो उसने टाइम को कंट्रोल किया। आज भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप सेवकाई में हैं तो बहनें चपातियां बनाती है तो चपातियां बनाती सुबह से शाम तक, और मिनिस्ट्री में भी है। आज के बाद मैं प्रार्थना करता हूं, चपाती कहां से आएगी, कौन सा कान लेके आएगा मुझे मालूम नहीं, मगर आप इतना लंबा समय चपातियां नहीं बनाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हाँ, चेंज होने वाला है, बिलीव करो। किचन में तो वैसे भी गर्मी रहती होगी, मानो मेरी बात, चेंज कर लो, ट्रैक चेंज करो। पादरी साहब भूखे नहीं मरेंगे, ये गारंटी मेरी है। आप खुदा की खादी में हो, आपने काम करने हैं। खाना तो कोई भी बनाएगा, मगर ये स्पिरिचुअल फूड कब मिलता है? जब आप बैठोगे, प्रेयर करोगे। पादरी साहब गए हैं, उसके पीछे प्रेयर करो, काम होगा, बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन यीशु मसीह को मानते हैं? अच्छा, क्या बात है। बस यही तो मुश्किल है, हम यीशु मसीह को मानते हैं मगर यीशु मसीह की नहीं मानते। थोड़ा थोड़ा अंतर है। यीशु मसीह प्रभु है, हम मानते हैं, शताब्दी मानते हैं, मानता नहीं उसकी बात नहीं मानता। हम भी थोड़ा उसको कॉपी कर रहे हैं, छोड़िए। आज के बाद आप यीशु मसीह की मानेंगे। हालेलुया। जो भी आप क्या करोगे, बगल में बैठा उसको बोलिए जरा, आज के बाद मैं यीशु मसीह की मानूंगा। अच्छा, वो मैंने सुना दूसरे को, आज के बाद तू यीशु मसीह की मानेगा। अपनी बात नहीं करना चाहता, दूसरे की कर रहा है। ये अच्छा है। अच्छा, मैंने एक बात आपको फिर से बताने वाला हूं। सबसे पहले आज हम होली बाइबल से देख रहे हैं, होलीनेस, पवित्रताई। पवित्रताई क्या है? प्रभु के रूल के अनुसार चलना, प्रभु के वचन के अनुसार चलना, उसको फॉलो करना। अगर आप यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, आपके जीवन में आज बहुत बड़ी चेंजिंग आने वाली है। जो यहां मजदूर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जॉब्स करते हैं, वो सोचते होंगे अच्छा ये कैसे हो सकता है। मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं, 3 महीने के अंदर अंदर, आज से शुरू हो जाएगी, 3 महीने के अंदर अंदर आपकी टाइमिंग टोटली चेंज हो जाएगी। ये समझ, आपके जीवन में भाग दौड़ खत्म होने वाली है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल करने वाला है। आप रिमोट पवित्र आत्मा को दे दो। अपना रिमोट किसको दो? हाँ, कभी कभी आप अपना रिमोट किसी और को देते हैं। आपने किसको दिया है? मैं बोलने वाला नहीं हूं, शर्माइए मत। कभी कभी हम अपना रिमोट किसी और को देते हैं। अगर आप किसी को दिए, आज ही वापस ले लो। समझे मेरी बात?
और पवित्र आत्मा को दे दो, वो आपको गाइड करेंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए आज मैं यीशु मसीह के नाम से अपने चमत्कार को लेने के लिए तैयार हूं। ऐसा बोलते हैं मुझे पसंद नहीं है तो मेरे खुदा को कैसे पसंद हो? ऐसा मैं अपना चमत्कार लेने के लिए तैयार हूं। ना तो आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट है, ना तो आपके अंदर कोई बल आया है, ना तो आपके अंदर कोई खुशी आई है, तो वैसे मैं चमत्कार लेने के लिए तैयार हूं। ये कैसा लेने के लिए तैयार? ऐसा ही मिलेगा आपको जैसा आपने मांगा है। सुनो, मैं एक बहन को जानता हूं, उसने अपना एक पासपोर्ट दिया था वीजा लगने के लिए, तो एजेंट ने बोला कि आप एक हफ्ते के बाद कॉल करिए, आपको बता देंगे। अभी एक हफ्ता तो बहुत लंबा हो गया। तीसरे दिन बहन ने फोन किया, हेलो, हाँ मैं सिमरन, हाँ हाँ मैंने आपको पासपोर्ट दिया था। ओ बहन जी, एक हफ्ते के बाद बोला, अभी तो 3 दिन हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देखो अगर मैंने, अच्छा चलो। फिर काम धंधा किया, दूसरे दिन फिर टन टन, हेलो मैं सिमरन, ओ बहन जी आपको बोला ना, क्या कर रहे हो, एक्साइटमेंट दिखा रहे हो, अपने पासपोर्ट के लिए इतनी एक्साइटमेंट है, मगर आपके जीवन में प्रभु के लिए कितनी एक्साइटमेंट है? आपको बोलना है, मैं आज अपने चमत्कार को लेने के लिए तैयार हूं। ऐसे नहीं, पहली कक्षा की बहन जी को आप कुछ ना सुनाओ, खुदा को सुनाओ और पूरे जोर और बल से बोलो और कहो, आज मैं अपने चमत्कार को लेने के लिए तैयार हूं यीशु मसीह के नाम से। ये युद्ध है, युद्ध आप युद्ध करना सीखो। जब भी मैं बोलता हूं बोलिए, आपके बोलने से आपके जीवन में श्राप जाते हैं, आशीष आती है खुदा की, क्योंकि आपकी जीव में क्या है, पावर है। पावर बोलो, मेरी जीव में पावर है, मेरी जीव में पावर है, मेरी जीव में पावर है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। कभी कभी हम, कभी कभी हम, तुम नहीं हम, मैं आप अपनी बात कर रहा हूं, देखो कितने खुश हो रहे हैं, हमारी बात ना कोई करे, क्योंकि हम तो अच्छे ही बात है, हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, हम तो कभी कभी पादरी साहब को भी झूठ बोल देते हैं, अच्छा अच्छा पादरी साहब घर नहीं है हम। आज मैं आपको सच कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पर खड़े हैं, क्योंकि आपने जीवन तो यीशु मसीह को दिया है, प्रभु तो उसको माना है, पर यीशु की नहीं मानी। आज के बाद जब आप मानना शुरू करोगे, मैं सच में कहता हूं आपके जीवन में एक बड़ी आशीष आने वाली है। बाइबल में लिखा है, प्रत्येक समय का इख्तियार खुदाबंद के पास है, और एक आने का समय और एक जीने का समय और एक अच्छे का समय और एक, ये आपकी बाइबल में लिखा है, हालेलुया। और आपके जीवन में मरने का समय बदल रहा है यीशु मसीह के नाम से, जीने का समय आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। क्या आप जीना चाहते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है? जीवन दिया है। यीशु मसीह ने क्या दिया है? जीवन दिया है, मगर उस जीवन में रोना नहीं है। इसकी 31 आयत देखिए, मुझे लगता 31 अच्छा, ऐसा करो, ऐसा करो, एक सेकंड आप थोड़ा हिजकिया की किताब में आइए,
18 उसका 21 में आओ पहले, वहां फिर बाद में जाते हैं। थोड़ा ये वचन गहराई का है, इसलिए मैं बीच में थोड़ा आपको स्टे करवा के फिर आगे लेके जाता हूँ। थोड़ा ध्यान से, हाँ जी देखिए प्लीज। हाँ जी, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे। जब दुष्ट जन क्या लिखते हैं, जब मैं बोलूं तो साथ साथ में पढ़ेगा। हाँ, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर, अपने सब पापों से, किसके पापों से? अपने पापों से। हमने भले ही कोई पाप नहीं किया, मगर बाय बर्थ बाय ब्लड हमारे जीवन में पाप है। आप भले ही कोई पाप नहीं करते, आज परमेश्वर यहां आपके साथ ये बात कर रहे हैं कि आपने पाप को छोड़ना है, त्याग करना है। जब तक आप पाप को छोड़ते नहीं, बाइबल क्या कहती है, आप कौन है? आप दुष्ट हैं, ऐसा कहता बाइबल। मैं नहीं कहता, बाइबल में ऐसा